Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Students, हम solve करेंगे exercise 3.4. Solve the following pair of linear equations by the elimination and the substitution method. तो ये students दोनों method हम आपको पढ़ा चुके हैं. अब ये एक्सरसाइज 3 पॉइंट है. क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट का फर्स्ट. तो ये दिया गया है स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के फॉर्म में दोनों इक्वेशन लिखे हुए हैं. अब यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 2x दिया है. तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2. मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया. अब दोनों इक्वेशन को हम लिख के सॉल्व कर देंगे. ये देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब इनके साइन सेम है तो इनके साइन चेंज कर देंगे. तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा. अब ये और ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया 5y इज इक्वल टू 6. सो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू आ गया 5/6. y की वैल्यू 5/6 आ गई. अब हम कर देंगे पुट y इज इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये हो जाएगा x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 5. वो 6/5, सॉरी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 6/5 आएगा, 6/5. तो अब इसमें पुट कर देंगे तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25. तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 19. सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 19/5. इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5. तो इस तरीके से ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी दी है इससे देखिए हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो y इज इक्वल टू 5-x आ जाएगा. पुट इन इक्वेशन सेकंड. तो सेकंड हमारी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब इसमें हम स्टूडेंट पुट कर देंगे तो देखिए 2x माइनस 3 और y की वैल्यू आ गई 5-x इज इक्वल टू 4. अब माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 4. तो देखिए ये आ गया 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 15, तो 19 आ गया स्टूडेंट. तो x की वैल्यू 19/5 आ गई. अब देखिए दोनों मेथड से यहाँ भी 19/5 आई थी और यहाँ भी 19/5 आ गई. अब इसके बाद हम ये कर देंगे कि पुट
एक्स इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 19 अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। अब ये आ गया कि 5y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, तो ये आ गया 6, तो y इज इक्वल टू आ गया 6 अपॉन 5। आंसर हो गया x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 और y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट सॉल्व हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टूडेंट्स आप लोग सेल्फ करिए। अब देखिए फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पर दिया है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको देखिए हम एलिमिनेशन से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ x है और यहाँ पर ये है एक्स वाई टू है और यहाँ पर x है, तो या तो हम यहाँ एक्स वाई टू लाएँ और यहाँ पर इतना, तो इसमें ऐसा करेंगे हम स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए x जो कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ये आ गया। अब इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देंगे इक्वल टू 3। अब इसके साइन चेंज कर दीजिए, तो देखिए माइनस यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, अब ये कैंसिल हो गए हमारे। अब 4y अपॉन 3 और y अपॉन 3, तो 4y अपॉन 3 और y अपॉन 3, तो ये हो गया 5y अपॉन 3, चूँकि डेनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ गया माइनस 5। तो इसमें जो y की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस 3 आ जाएगी स्टूडेंट। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 5y इज इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, तो ये हो गया माइनस 3। अब ये जो वैल्यू हमें पुट हुई है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। सेकंड पुट करने में आसानी रहेगी क्योंकि यहाँ y अपॉन 3 है। तो देखिए सेकंड ये है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस 3 थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 आ गया। तो एक आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स और एक आंसर ये हो गया माइनस के 3 और प्लस के 2। अब इसी को हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए 1 बाई 2 और x की वैल्यू हम रखेंगे तो 3 प्लस y अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y 2 प्लस y अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसके भी डेनोमिनेटर हम सेम कर देंगे, तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हम देखिए कर देंगे 2 से, न्यूमरेटर और
डेनोमिनेटर तो देखिए 4y और ये y, तो हो गया 5y अपॉन 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 2। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये आ जाएगा कि टेन वाई इज इक्वल टू माइनस 30, तो y इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 10 करेंगे तो ये माइनस 3 आ गया। कितनी आ गई स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ गई माइनस 3, और देखिए यहाँ पर भी y की वैल्यू माइनस 3 आ रही थी। अब पुट कर दीजिए इसको, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो जो ऐसे ये वाला सॉल्यूशन आया है, इधर जो सॉल्यूशन आया वो भी वही सॉल्यूशन सेम इधर आ जाएगा, 2 आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।